24 सितंबर को नेपाल चैंपियन बना और 25 सितंबर को इंडियन चैंपियन बना खटमंडू नेपाल में। और मैं पाकिस्तान का फर्स्ट रेसलर हूँ, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट रेसलर है जिसे फखरे कराची अवार्ड मिला है। जब आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली की सपोर्ट थी नहीं थी, दोस्तों ने कितना आपको जो है वो किया था, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप भी अपने हवाले से बता दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं आपका होस्ट कमरन शफीक। और आज हम जहां मौजूद हैं, यहां असल में हम बात करने वाले हैं हमारे मशहूर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एक्चुअली रेसलर हैं, ये रह चुके हैं और अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि रह चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। और यहां पे हम इसीलिए आए कि हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हमारे काफ़ी ऐसे जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो कि कराची में बिखरा हुआ है, उसको समेटने की बहुत ज़रूरत है। इसी बिहाफ पे आज हम यहाँ पे आए हैं, हमारे मौजूद हैं तला अली साहब। हम इनकी हौसला अफजाई तो अपनी तरफ से करेंगे लेकिन आप सबकी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और तला अली साहब की क्या कहानी है, क्या इन्होंने सर्वाइव किया है और रेसलिंग में किस तरीके से इन्होंने अपना नाम कमाया, ये सब बात हम इनसे आज करने वाले हैं और आपको सुनवाने वाले हैं तला अली की ज़बानी। तो मेरे ख्याल से आप लोग सोच रहे होंगे कि तला अली साहब ने क्या रेसलिंग में किस तरीके से नाम कमाया है और क्या एफर्ट्स दिखाई हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बल्कि आपकी मुलाकात करवाता हूँ तला अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तला भाई, ये बताएं माशाल्लाह से आपने दो बेल्ट्स आपके पास हमें नज़र आ रही हैं, एक नेपाल के थ्रू आपने लिए, एक ईस्टर्न आपने हासिल किए, तो ये सारी कहानी तो बिल्कुल चलेगी, लेकिन पहले व्यूवर्स को ये बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली की सपोर्ट थी नहीं थी, दोस्तों ने कितना आपको जो है वो किया था, और थोड़ा सा अगर मुझसे कोई कोताही हुई है आपके बारे में बताने में तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप भी अपने हवाले से बता दें कि आप इंटरनेशनल जो है वो रेसलिंग के तौर पर अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ा सा आप भी ब्रीफ कर दीजिएगा प्लीज़। आपने कहा स्टार्टअप मैंने इस तरीके से लिया था क्योंकि बेसिकली मैं स्पोर्ट फैमिली से ताल्लुक़ है। मेरे जो नाना थे वो यंग लाइफ में बॉक्सिंग किया करते थे, तो आपको ये तो मालूम होगा कि अम्मी का तो फुल सपोर्ट होगा और अब्बू का भी फुल सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो जब हम इंजर्ड हो के आते थे, बेसिकली मैंने 2009 में मार्शल आर्ट ज्वाइन किए थे, क्यूकुशन फाइट। क्यूकुशन में मैंने 2012 में ब्लैक बेल्ट, 2012 में मैंने ब्लैक बेल्ट लिया। और इसके अलावा जब हम इंजर्ड हो के आते थे तो अब्बू ही हमें मसाज करते थे। अब्बू कहते थे कि मतलब पढ़ाई पे फोकस करो लेकिन स्पोर्ट पे भी। फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा है हमें। और दूसरी बात ये कि आपके सामने है कि इसके बाद मैंने स्टार्ट, उस वक्त रेसलिंग का इतना रुझान नहीं था लेकिन हम WWE देखते थे, टीवी में देखते थे, हमारे नाना भी देख रहे होते थे, हम उनके साथ बैठ जाते थे, हम अपने नाना से मतलब गाइडलाइन लेते थे कि मतलब किस तरीके से किया जाता है। वो जाहिर सी बात है वो बॉक्सर थे तो हमें पंचेस सिखाते थे पंच इस तरीके से, क्योंकि वो फुल बॉडी नहीं खेलते थे। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं किक भी यूज़ करता हूँ, लेकिन वो पंचेस हमें अच्छा गाइड करते थे, पंचेस वगैरह सिखाते थे, काफ़ी ट्रेनिंग देते थे। 2017 में मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म रेसलिंग का प्लेटफॉर्म ईजाद हुआ, मतलब आया तो मैंने ये 2018 में ज्वाइन किया, 28 नवंबर 2018 में मैंने ज्वाइन किया। और कुछ सालों की मेहनत में आज आपके सामने रिजल्ट है। मैं 24 सितंबर को नेपाल चैंपियन बना खटमंडू नेपाल में और 25 सितंबर को इंडियन चैंपियन बना खटमंडू नेपाल में। दो मेरी फाइट्स थी, मैंने पहले नेपाली को बीट किया सिर्फ 2.5 मिनट में, और इसके अलावा मैंने इंडियन ने तो मुझसे फ़ाइट ही नहीं की, वो तो फ़ाइट से पहले ही मतलब वो चेकआउट करके होटल से भाग गया था, तो इंडियन का टाइटल मुझे ही मतलब है ना विनर का अनाउंस कर मुझे दे दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इंडियन चैंपियनशिप क्यों नहीं है, क्योंकि 7 जन को हमारा मैच हुआ था जिसमें मैं वो चैंपियनशिप लॉस्ट कर गया, लेकिन उसी मैच में मैंने ईस्टर्न चैंपियनशिप उससे बड़ा बेल्ट जीत विन कर लिया। ये व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा एक होता है कि रेसलिंग हम कहीं देख रहे होते हैं टीवी पे, बड़ा एक एनर्जेटिक होता है कि यार वाकई में, और तला भाई की फिजिक्स देख के आपको शायद लग रहा होगा कि यार बहुत वीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक होता है ना बिल्डर टाइप होता है बंदा, और वो चीज़ आपको शायद नहीं हो, तो ये मैं आपको बता दूं तला भाई के हवाले से कि ये मार्शल आर्ट भी करते हैं, मतलब मार्शल आर्ट के लिए आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि आपकी बहुत जो है वो बॉडी शॉडी है और डोले शोले आपके हैं तो आप उस पर ही जो है आगे बढ़ सकते हो। मार्शल आर्ट एक अपना फन होता है, मार्शल आर्ट में अगर आप रेसलिंग को ऐड कर लें तो फिर वो क्या चीज़ बन जाती है, वो तला भाई की ज़बानी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपको दो बेल्ट नज़र आ रही होंगी, अभी हम आपको क्लोजअप भी दिखाएंगे, नेपाल के बिहाफ से जो तला भाई ने जीती है वो भी इनके पास है, इंडियन के बिहाफ से जो ईस्टर्न चैम्पियन है वो बेल्ट इनके पास है। और कैसा रहा था वैसे कॉम्पिटिशन आप बताएं, 2.5 मिनट में आपने नेपाली जो था उसको आपने बीट किया था। स्टार्टिंग में ये था कि वो उसका वेट मुझसे ज़्यादा था, क्योंकि रेसलिंग के अंदर मार्शल आर्ट आप करते हैं तो आपको वेट कैटेगरी दी जाती है कि आपका इस वेट से लेकर इस वेट तक की कैटेगरी और आपको अपने वेट से ही फाइट करनी पड़ती है। लेकिन रेसलिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, रेसलिंग में आपको हैवी वेट भी दे दिया जाता है। अब जब लास्ट टाइम जो मेरे यहाँ जो फाइट हुई थी
हॉकबर्ग द बीस से, उसका 100 kg वेट था और मेरा 63, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो उसने तो उसमें आसानी होती है दाव पेश के हवाले से, अगर पटकना है किसी को उठा के फेंकना है तो फिर क्या होता हो? मैं मतलब ज़्यादातर मतलब ये पटकने वाले और जिस तरीके से उठाने वाले मूव इस्तेमाल नहीं करता मैं, ज़्यादा किक पंच वगैरह और सबमिशंस स्ट्राइक्स ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी जो मुझ में मतलब टैलेंट है, मतलब मैं मार्शल आर्ट का सारा टैलेंट यहाँ दिखाता हूँ, यानी पूरा मार्शल आर्ट जो है वो हो रहा होता है। और मार्शल आर्ट में जैसे जैकी चैन को हमने बड़ा सुना है कि वो जैकी चैन हो गए, ब्रूस ली हो गए, मार्शल आर्ट के एक नाम है, तो इसमें मार्शल आर्ट में भी किसको फॉलो करते हैं ये भी बताइएगा। मार्शल आर्ट में तो मैं बेसिकली मैं ब्रूस ली हूँ सबसे, मतलब सभी ब्रूस ली के फैन हैं, ऐसी बात है कि उसकी किक की स्पीड इतनी थी कि एडिटिंग के वक्त उसकी किक की स्पीड भी कम करनी पड़ती थी, पंचिंग की स्पीड भी इतनी थी। और रेसलिंग के अंदर देखा जाए तो मैं जॉन सीना और अंडरटेकर। जॉन सीना ये तो मेरी दिल की बात है, जॉन सीना तो खैर सबको ही पसंद है, और वो जो चलता है ना नेवर गिव अप और कैन यू सी मी, वो जो चल रहा होता है, तो ये चीज़ें बड़ी एक एनर्जेटिक होती हैं। जॉन सीना आपको मतलब बहुत फेवरेट है, काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी वो भी देख रहे होते हैं, और जॉन सीना के अलावा आपने दूसरा जो बताएं कौन से रेसलर हैं? अंडरटेकर बहुत पुराने हैं और बहुत ज़बरदस्त उनका एक रहा है, तो वहाँ से देख के मतलब आपको क्या होता था कि मुझे यही दोनों रेसलर में बनना है या कुछ और आपका एक्स्ट्रा था? नहीं, आप जब किसी भी रेसलर को देखते हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि आप वो रेसलर बन सकते हैं, आप अपनी चीज़ लाएं। काफ़ी आपने रेसलर्स देखे होंगे कि मतलब कोई किस रेसलर को कॉपी कर रहा है, कोई किस रेसलर को कॉपी कर रहा है कि मुझे मैं यही दिखूं। भाई आपको अपनी पहचान दिखानी चाहिए, मैं तलहा अली हूं और तलहा अली की तरफ फाइट करता हूं, मैं ना मैं अंडरटेकर हूं ना मैं जॉन सीना हूं, मैं पाकिस्तानी तलहा अली। अच्छा तला भाई, ये तो खैर हमारे पाकिस्तान में जो है रेसलिंग का इतना कॉन्सेप्ट मतलब नहीं है, जैसे आप रेसलिंग कर रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ कि एक लम्हा आता है कि बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मैं एज़ अ रेसलर तला अली जो है हमारे मशहूर रेसलर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में आप जाके रेसलिंग भी कर रहे होते हैं, स्पेशली जैसे लाहौर मुल्तान वगैरह वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कम है रुझान, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि यार कुछ और मैं कर लूँ या फिर फील्ड चेंज करूँ? नहीं नहीं, रुझान तो अब कम नहीं है, स्टार्ट में ये रुझान कम था, काफ़ी लेट एक इवेंट अब हो रहा है, और इसके आफ्टर सिक्स मंथ सेकेंड इवेंट होता था, मतलब साल में मुश्किल से 2 इवेंट हमें मिलते थे, लेकिन अब तो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है, जो पिछले लास्ट ईयर में हमने 8 इवेंट किए हैं, 8 इवेंट से भी ज़्यादा, 9 इवेंट हमने किए हैं पिछले साल, तो अब वो चीज़ तो कम हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ग्रो हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से और उम्मीद है और अल्लाह हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा तलावा, ये बताइएगा कि 2 बैट्स माशाल्लाह आप जीत चुके हैं, इसके अलावा और कौन सा आपने अवार्ड वगैरह यहाँ पे आपने जीता है? मुझे फ़ख्रे कराची अवार्ड मिला था, और मैं पाकिस्तान का फर्स्ट रेसलर हूँ, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट रेसलर है जिसे फ़ख्रे कराची अवार्ड मिला है अब तक। तला भाई जो है रेसलिंग के लिए काम मतलब रेसलिंग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में जो है रेसलिंग के बिहाफ से पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो हमारे तमाम देखने वाले उनके लिए भी यही है कि जितना तला भाई को सपोर्ट कर सकते हैं आप, सपोर्ट कैसे करेंगे आप कमेंट्स कर रहे हैं हमें बताएं, उसके अलावा तला भाई के रेसलिंग के बिहाफ से तला भाई कोई प्लेटफॉर्म कोई पेजेस जहां पे आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहें, यंगस्टर्स हैं हमारे किसी को बुलाना चाहें कोई ट्रेनिंग सेशन के हवाले से कुछ ऐसा कहना चाहें? बेसिकली जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये हमारी अकेडमी है, ट्रेनिंग सेंटर है, आप यहाँ लियाकतबाद में लियाकतबाद अल्पाइन जेलाटो के आइसक्रीम वाली स्ट्रीट के अंदर 3rd मकान है, आप यहाँ आए हमारी अकेडमी में ज्वाइन करें, और हमारा फेसबुक पेज भी है, ट्विटर पेज, इंस्टा पेज REW Revolution ईस्टर्न रेसलिंग के नाम से, वहाँ हमारे CEO और प्रेसिडेंट के नंबर है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। और तला भाई ने बताया कि आप उनको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे उनको ज्वाइन करना ही उनकी एक सपोर्ट होगी, तो तमाम व्यूवर्स जो देख रहे हैं जो करीब में हैं जिनको शौक़ है रेसलिंग के हवाले से वो सब यहाँ पे तला भाई को ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मार्शल आर्ट के स्किल्स के साथ आपको रेसलिंग के भी स्किल्स बताए जाएंगे, पूरा एक सेटअप मौजूद है यहाँ पे जिस पे आपको कंप्लीट रेसलिंग के जो है गर्ड्स सिखाए जा रहे होते हैं, स्किल्स बताए जा रहे होते हैं। तमाम देखने वाले सुनने वाले उम्मीद है कि आपको एपिसोड ये बहुत अच्छी लगी हो, और तला भाई कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? और दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा भी फेसबुक पेज है तलहा अली दी आयरन मैन के नाम से, यूट्यूब चैनल और तलहा अली रेसलर, तलहा अली रेसलर फेसबुक, तलहा अली रेसलर इंस्टाग्राम और तलहा अली रेसलर ट्विटर, वहाँ भी मुझे विजिट करें और मतलब फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तला भाई, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी तरफ से हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपके पास फुल सपोर्ट है। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद है कि आपको एपिसोड बहुत अच्छी लगी हो, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल पर टिंग टोंग ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह हाफिज़।